हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और आज आप ये सब चीज़ें देख रहे होंगे, अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो आज हम आपको बनाना बताएंगे कि इसको कैसे सुखाया जाता है। सुखाने का तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर कभी ऐसा होता है कि कभी हमारे घर में प्याज नहीं होती है, या हमें कभी कुछ बनाना है, या प्याज ऐसी चीज़ें अदरक बहुत महंगी होती है उस टाइम पे। हम ज़रूरत तो हमारे घर में रोज़ पड़ती है, लेकिन बहुत महंगी होने के कारण बहुत हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, या फिर सोचते हैं अरे चलो छोड़ो नहीं डालते हैं इसमें, लेकिन फिर टेस्ट नहीं आता उस चीज़ में आप जो सब्जी वगैरह बनाएंगे। तो उसी पर्पज़ से आज मैं ये आपको सुखाना बता रही हूँ। आप सुखा के इसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, तो आगे मैं इसके यूजेस भी बताऊँगी आपको। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं ये प्याज, प्याज को हमने छिलका उतार लिया है और अच्छे से धो लिया है। धो के इसका जो पानी था वो सूख गया है ऊपर से। इस तरीके से आपको प्याज लेनी है। और ये मैंने ली है हरी मिर्च, इनको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, अच्छे से सुखा लिया था। और ये है लहसुन, लहसुन की एक कलियां हैं, और इनको भी हमने छिलका उतार के और इसको अच्छे से एक दो बार पानी से वॉश कर लिया, और इसका भी पानी हमने सुखा लिया है। और ये है अदरक, अदरक का भी छिलका हमने उतार लिया है, और इसमें मिट्टी होती है अदरक में, तो वो भी आप अच्छे से मिट्टी को धो लें, 2 से 3 बार पानी से धो लें ताकि वो मिट्टी भी निकल जाए, और जो बचती भी है थोड़ी बहुत तो वो जब छिलका उतारते हैं हम तो उसके साथ उतर जाती है। उसके बाद एक बार फिर से धो लें छिलका उतारने के बाद। तो अब हम बताते हैं कि इसको आपको सुखाना कैसे है। तो एक एक चीज़ को हम बताएंगे। जैसे हमारे पास ये अदरक है, तो अदरक को इस तरीके से हमने छिलका उतार लिया, और इसको हमें इस तरीके से पतला पतला गोल गोल कट करना है। और इस तरीके से कट करने के बाद इसके छोटे छोटे लंबे पतले टुकड़े काटने हैं, तो आप इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं। आप स्क्वायर पीस में, छोटे छोटे स्क्वायर पीस में काट के सुखाना चाहें तो वैसे भी सुखा सकते हैं, और आप इस तरीके से लंबे पीसेस में भी इनको कट कर सकते हैं। और जब ये आपके पास ड्राई रखी रहेगी ना तो ये खराब होगी, और आपको जब भी ज़रूरत हो, आप चाहे सूप में डालें, सब्जी में डालें, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं जिसमें इसकी नीड हो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी पतले पतले टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको अदरक को काटना है। जितने छोटे और पतले टुकड़े होंगे उतना जल्दी सूखेंगे, और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये समय सबसे अच्छा रहता है सब्जियाँ वगैरह सुखाने के पर्पज़ से। तो आप इस समय पे सब्जियां सुखाएं, और ये छाया में ही सूख जाती हैं, बिल्कुल आपको डायरेक्ट धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी सब्जी को डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो उसका कलर बिल्कुल ऐसा हो जाता है, उड़ जाता है जैसे। तो उस तरीके से आप जैसे जहां धूप आ रही है लेकिन वहां छाई है उस तरफ रखें, बिल्कुल डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। और इस तरीके से मैंने ये और अदरक के टुकड़े काट के रखे हुए थे, तो इस तरीके से हमें ये थोड़ा सा दूरी दूरी पे बिछा के इसको सुखा देना है। तो अदरक को तो हम इस तरीके से सुखाएंगे, और ये चीनी मिट्टी की प्लेट है इसलिए मैं इसमें सुखा रही हूँ इसको। और अगर प्लास्टिक की, आप किसी भी तरीके के बर्तन में इसे सुखा सकते हैं, यानी कोई प्लेट थाली कुछ भी, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कांच का हो, या कैसा भी हो, स्टील का हो, उसमें सुखा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ये चिपकता है, तो उसमें आप बटर पेपर लगाएं या फिर फॉइल पेपर लगा लें। आप देखते हैं लहसुन को, अब लहसुन आप इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे ही आप अपने खाने में यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप इसको काट सकते हैं। तो या तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे इसको, या तो इस तरीके से गोल पीस काट सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से 4 पीस इस तरीके से बीच में चीरा लगाया प्लस में कट करके, और
छोटे छोटे पीस इसके काट लिए। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास समय है तो हाथ से आप चाकू से छोटे छोटे अपने हिसाब से लहसुन के पीस को कट कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप ये जो स्लाइसर होता है उसमें भी लहसुन के पीस डाल के और उसको स्लाइस कर सकते हैं। तो आप स्लाइसर से भी इसे बहुत इजीली और बहुत जल्दी स्लाइस कर सकते हैं और ये भी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको स्लाइस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी लहसुन को इस तरीके से मैंने स्लाइस कर लिया है। और ये चीनी चीनी वाली ही प्लेट है, चीनी मिट्टी की, तो इसको भी मैं इस पे रख दूंगी तो ये इसमें नीचे चिपकेगी नहीं। और ये बहुत जल्दी हो जाती है अगर स्लाइसर से आप करते हैं, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे मुझे इसे करने में। और हाथ से कट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जैसे भी आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से ऐसे स्लाइस कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो ये भी हम सुखा देंगे, लेकिन उसी तरीके से डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, और ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा इस पर ढक दें जो भी चीज़ आप सुखाएं। इस तरीके से हम इन्हें भी सुखा देंगे, और जो ये छोटे छोटे पीस हमने काट कट करे थे वो भी इसी के साथ सुखा देते हैं। और अब हम ये हरी मिर्च कट करेंगे। तो हरी मिर्च को तो हमें हाथ से ही कट करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, या तो कैंची से आप कट करें या फिर चाकू से। तो इस तरीके से बीच से आप कट करेंगे और इस तरीके से हम इसको काट लेंगे महीन महीन। जैसे भी आप मोटे महीन पीस रखना चाहते हैं, सूखने के बाद ड्राई होने के बाद ये थोड़ा और सिकुड़ के छोटे छोटे हो जाते हैं, तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और या फिर आप सिंपल गोल गोल मिर्च इस तरीके से काट सकते हैं महीन महीन। तो ये देखिए हरी मिर्च भी हमने काट के तैयार कर ली है, और इसको भी हम इसी तरीके से धूप में सुखाएंगे, लेकिन धूप वाली, डायरेक्ट धूप वाली जगह में नहीं, बिल्कुल एक साइड में छाए में। और अब हम लेते हैं ये प्याज, और प्याज को हम इस तरीके से आधा कट कर लेंगे, और ये जो सफेद गांठ वाला हिस्सा है इसको निकाल देंगे। और पहले सारी प्याज आधी करके और ये गांठ वाला हिस्सा सारे में से निकाल देंगे इस तरीके से। अब ये आधी आधी प्याज को हम इस तरीके से इस स्लाइसर में घिसेंगे। ये सबसे जल्दी वाला काम है, आप हाथ से भी कट कर सकते हैं यानी आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कर रही हूँ कट, यानी ये स्लाइसर से मैं घिस रही हूँ इसको। इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक बिल्कुल महीन महीन आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत महीन प्याज हो रहा है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से ये थोड़ी मोटी प्याज आएगी और अच्छी आएगी, या तो आप इसको सीधा इस तरीके से घिस सकते हैं और या फिर आप एक साइड से, लेकिन बहुत केयरफुली, कभी हाथ में ना लग जाए तो ध्यान से घिसें इसको, इसका ब्लेड बहुत तेज होता है। तो ये देखिए सारी प्याज ये इस तरीके से स्लाइस हो गई है, और यहां मैंने ये पहले से स्लाइस करके रखी है इतनी प्याज। और इसको अब हमें कैसे सुखाना है, इतनी सारी को एक साथ नहीं सुखाना है, हमें अलग अलग थाली या प्लेट जो भी है आपके पास उसमें सुखाना है। तो ये नॉन स्टिक प्लेट है, इसको मैं इसीलिए इसमें कोई नीचे पेपर वगैरह नहीं लगा रही हूँ, इसमें हम इस तरीके से इसको
बिछा देंगे। बहुत ज्यादा मोटी परत नहीं लगानी है। तो इस तरीके से ये हो गया। और अगर आप स्टील की प्लेट में इसे सुखाते हैं प्याज को, ये मैंने 1 किलो प्याज ली है, तो स्टील की प्लेट में हम या तो बटर पेपर लगा लेंगे और या फिर फॉइल पेपर, और इस तरीके से इसे भी फैला के सुखा लेंगे। और ये 2 दिन की धूप में आराम से सूख जाएंगे। धूप में आप इसे, यानी धूप की जगह नहीं, जहां धूप आ रही है उधर जहां छाई है उस तरफ रखिए, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखें, तब सुखाएं, और शाम के टाइम अंदर पंखे की हवा में सुखाएं, और वापस दूसरे दिन इसको इसी तरीके से रख दें धूप में, और उसके बाद वापस से पंखे की हवा में सुखाएं। ये 2 दिन में आराम से सूख जाएगी और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के सूखेगी। तो इस तरीके से हमें सुखाना है। तो ये हमारी सारी प्याज तैयार है। ये हरी मिर्च, ये लहसुन और ये अदरक। अब हम 2 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे कि ये किस तरीके से सूखी है, और किसी चीज का कोई रंग चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो हमने सुखाई थी, ये 2 दिन बाद सूख कर बिल्कुल तैयार हैं, और इन्हें आप एयर टाइट जार में भर के स्टोर कर सकते हैं, और जिस चीज में भी आपको इसकी जरूरत पड़े उस चीज में आप इसे डाल सकते हैं, और 3 से 4 महीने आराम से ये स्टोर रहेंगे। सिर्फ नमी नहीं जानी चाहिए, और एयर टाइट जार में भर कर रखें इनको। ये देखिए, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, काला नहीं पड़ा है। जो ट्रिक मैंने बताई है कि जब हम धूप में रखते हैं, सुखाते हैं इन चीज़ों को, तो ऊपर कपड़ा ढक के सुखाना चाहिए, और धूप से अलग जगह, जहाँ खुली जगह है और धूप है उसके साथ जहाँ छाँव आ रही है वहाँ पे रखें, और कपड़ा ढक के रखें सारी चीज़ों को। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमने ये मिर्च सुखाई है, और ये देखिए ड्राई अदरक इस तरीके से ग्रेटेड, और ये लहसुन, ये देखिए कितनी कड़क सूखी है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और ये देखिए बिल्कुल चूरा हुआ जा रही है इस तरीके से। ये सब हमने चंक्स में बना के सुखाई है, यानी मिर्ची को महीन महीन काट कर, और अदरक को ग्रेट करके, और लहसुन को ग्रेट करके, और इस तरीके से। ये देखिए 2 थालियों में जो हमने प्याज सुखाई थी वो 1 दिन में सूख के थोड़ी थोड़ी हो गई थी, तो मैंने पूरी 1 थाली में कर दी है ये, और कितनी अच्छे से ये सूखी है इस तरीके से। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बिरयानी बनाने में, और इंस्टेंट आपको मिल जाती है, जैसे जैसे बरिस्ता कहते हैं ऊपर से जो हम प्याज डालते हैं बिरयानी में, तो ये आप उसमें भी डाल सकते हैं, और किसी भी चीज़ में आप इसका इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। मसाला बना सकते हैं, अगर आपके यहाँ प्याज नहीं है, प्याज खत्म हो गई है, तो इसको थोड़ा सा जितना आपको मसाला पीसना उतनी प्याज भिगो दीजिए, और मसाला इंस्टेंट तैयार हो जाएगा कोई भी चीज़ डाल के। और दूसरी चीज़, इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इनको पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये तो हम सुखाने के बाद ऐसे ही स्टोर कर लेंगे, जिस चीज़ों में इस तरीके से काम आती है ये, उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इनको आप इस सूखी हुई प्याज को ही आप अगर मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हरी मिर्च या अदरक या जो हमने ये गार्लिक सुखाई थी, लहसुन, तो इन तीनों में से, चारों में से किसी भी चीज़ को आप पाउडर फॉर्म में भी मिक्सी में पीस के बना के रख सकते हैं। वो भी पाउडर आपका 6 महीने तक प्रिजर्व रहेगा, और आप उसका यूज़ किसी भी चीज़ में इंस्टेंटली बनाने में कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़ की चीज़ है, तो इनको करके ज़रूर रखिए, और जब प्याज वगैरह सस्ती हो तब आप इसे सुखा के रखें, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी कि सस्ते में प्याज वगैरह सारी चीज़ें आपकी सूख जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।